ये स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू सर्च फॉर डेटा विद इन क्विक बुक्स क्विक बुक्स जैसे कि आप जानते हैं एक बहुत बड़े रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम का नाम है इसके अंदर बहुत सारा डेटा मौजूद है और हो सकता है कि कभी भी हम कुछ ना कुछ डेटा सर्च करना चाहें हमारे पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो और उसकी बुनियाद पर हम ये देखना चाहें कि ये डेटा इसके अंदर कहाँ रिसाइड कर रहा है इसमें कस्टमर भी हो सकते हैं इसमें आपके वेंडर भी हो सकते हैं इसमें इन्वाइसें भी हो सकती हैं बिल्स भी हो सकते हैं कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी हमें सर्च करने की रिक्वायरमेंट आ जाए हो सकता है कि कोई वैल्यू बेस हम चीज़ ढूंढना चाहें ये सारी सर्चिंग फैसिलिटीज़ हमारे पास क्विक बुक्स में मौजूद है क्विक बुक्स हमें दो टाइप की सर्च या ढूंढने की सलाहियत देता है एक है जनरल सर्च जनरल सर्च में जितना भी डेटा क्विक बुक्स में उस कंपनी के बारे में होगा सर्च हर जगह जाके उसको चेक करेगी और दूसरा तरीके का है फाइंड फाइंड आपको जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई होंगी उसमें आपको चीज़ ढूंढ के लेकर आएगा तो बेसिक फ़र्क सर्च और फाइंड में यह है सर्च एक ग्लोबल सर्च है विद इन द कंपनी जिसमें आपके वेंडर नेम लिस्टें जितनी कुछ मवाद मौजूद है हर जगह से वो इंफॉर्मेशन ढूंढ के ला सकता है फाइंड में सिर्फ और सिर्फ जितनी आपने डॉक्यूमेंट पे ट्रांजैक्शन अपनी रिकॉर्ड की हुई है सिर्फ सर्चिंग उस के अंदर अंदर होगी आइए चल के देखते हैं कि क्विक बुक्स सर्च और फाइंड करता कैसे है और हमें रिजल्ट किस तरीके से दिखाता है अब जब भी आप अपनी होम स्क्रीन पर तो सबसे पहली चीज़ जो आपको नजर आती है वो आपका मेन्यू बार है जिसमें आपकी तमाम चीज़ें जो आपने जिस तरह से सेट की हैं वो नज़र आ रही होंगी और एंड ऑफ योर स्क्रीन या जिस तरीके से भी आपकी स्क्रीन अलाइंड है उसके मुताबिक आपको एक सर्च का बॉक्स नज़र आएगा सर्च बॉक्स अगर आपकी अलाइंड लेफ्ट है तो ये टॉप पे नज़र आएगा अगर आप टॉप पे अलाइंड है तो एट दी एंड आपको ये चीज़ नज़र आएगी सर्च जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हर डेटा में से जो कि हमारा इस वक्त खुला हुआ इस वक्त जो हमारे पास डेटाबेस खुला है वो आपको पता होगा सैंपल रॉक कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है उसका डेटा हमारे पास खुला हुआ है और ये सर्च इसके अंदर से होगी चलें एक मिसाल हम कुछ ना कुछ ले लेते हैं हम कोई भी फिगर देते हैं और देखते हैं कि क्या इस फिगर से मिलती जुलती कोई चीज़ मौजूद जैसे ही आप अपना सर्च करेंगे तो हमारे पास उस चीज़ का रिज़ल्ट आ जाएगा अगर हमारे पास उससे मिलती जुलती कोई चीज़ होगी तो इस रिज़ल्ट में कहीं ना कहीं नंबर के साथ वो बता रही होगी कि ये सर्च हमें कहीं मिला है या नहीं इस वक्त हमने एक आर्बिट्री एक अपनी पसंद का नंबर दिया था लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिला लेकिन इससे पहले कि हम दोबारा सर्च करें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस किस चीज़ के बारे में ये इंफॉर्मेशन दे रहा है ये ऑल रिजल्ट हमें दिखा रहा है जिसमें हमारे ट्रांजेक्शन्स में अगर ये कहीं फिगर उसे मिलती वहाँ दिखा देता कस्टमर्स में कहीं नज़र आती तो वहाँ से ले आता वेंडर्स में आती वहाँ से ले आता अकाउंट्स में कहीं भी ये चीज़ पड़ी होती ये सारी डिटेल हमें लेके आ जाता इसी तरह आइटम्स में एम्प्लॉज़ में और अदर्स में इसके अंदर क्या है वो भी हम देख लेते हैं ट्रांजेक्शन्स के अंदर तमाम डॉक्यूमेंट जितने भी एडजस्टमेंटें हमने की हैं एंट्री की है डिलीट किया है जो चीज़ हमने की है वो तमाम चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी जिसके आगे कोई ना कोई नंबर होगा इसका मतलब होगा इसके पीछे इससे मिलती जुलती ट्रांजेक्शन मौजूद है दूसरी चीज़ भी हम देख लेते हैं वो है आइटम्स अगर हमारे पास इस वक्त सिर्फ पेरोल आइटम्स आ रहे हैं लेकिन अगर हमारे पास सारी चीज़ें लिस्टेड होती तो यहाँ जितने आइटम्स हमारे पास हैं उनकी तमाम की डिटेल हमें यहाँ नज़र आती और उसमें से भी जहाँ ये चीज़ हमें मिलती 364 नंबर तो हम वहाँ से उसे उठा सकते थे इसके अलावा जो चीज़ इसमें लिस्टेड नहीं है वो तमाम की तमाम अदर्स के अंदर लिस्टेड है इसका मतलब आप अब क्लियरली समझ गए होंगे कि ये सर्च पूरे डेटाबेस में करके आ रही है इर ऑफ़ द फैक्ट ये ट्रांजेक्शन फाइल है या रजिस्ट्रेशन फाइल है ये कौन सी फाइल है जो चीज़ हमने यहाँ अपनी इनपुट की है डेटा रखा हुआ है सर्च तमाम में हो रहा है आइए हम अब एक नाम के साथ देखते हैं चेक करते हैं कि क्या ये हमारे पास इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मौजूद है हमने एक अपने कस्टमर का नाम दिया है क्रिस और हमारा सिस्टम सर्च कर रहा है अपने तमाम डेटा बेस में कि इससे मिलती जुलती इन्फॉर्मेशन उसे कहीं से मिल जाए अब आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि टोटल रिज़ल्ट जो वो उठा के लाया है वो बीस हैं कि इसमें से सोलह जो हैं वो ट्रांज़ेक्शन के अंदर हैं तीन कस्टमर के अंदर हैं और एक वेंडर के अंदर हैं अब आप सबसे पहले देखें कि बिल्स कितने हैं जितने बिल्स जिसमें भी हमारा क्रिस एज अ कॉन्ट्रैक्टर इस्तेमाल हुआ होगा वहाँ उसका नाम आएगा इसी तरह बिल पेमेंट में उसकी तमाम डिटेल आएगी चेक्स में जहाँ जहाँ बने हुए हैं वहाँ ये चीज़ हमें नज़र आती जाएगी इन वॉइस में अब आप इनको देखना चाहते हैं तो उन्हें देख भी सकते हैं अगर आप ये यहाँ आके देखें हम इसे यानी कि इसे ड्रिल डाउन बड़ी आसानी से कर सकते हैं इसे ओपन करें हमारे पास बेकर क्रिस का नाम भी आ रहा है और हमारे पास अगर आप चाहें तो आप इसकी ऑप्शन देख लें ओपन भी कर सकते हैं इसके अगेंस्ट हम रिसीव पेमेंट भी कर सकते हैं यानी कि जितनी हमारे पास ओपन इनवाइस मौजूद हैं वो आप ड्रिल डाउन करके जो चीज़ करना चाहें विद रेलिवेंट नेम आपको नज़र आ रही हैं इसी तरह से अगर आपने पेमेंट्स कहीं वसूल की हुई हैं तो वो भी हमें नज़र आ जाएगी ये देखिए ये बेकर क्रिस की पेमेंट हमारे पास जो है उसकी पूरी डिटेल आपके सामने नज़र आ गई ये तरीकेकार है जिससे हम अपने सर्च में जो चीज़ चाहे वो सर्च कर सकते हैं इसी तरह अगर आप कस्टमर्स में देखना चाहें ट्रांजैक्शंस की जगह तो कस्टमर्स में भी वो आपको तीन जगह लिस्टेड दिखाएगा क्योंकि एक आपका मेन कस्टमर है और दो उसके जॉब्स हैं जो हमने खोले हुए ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से आई है ये आई है फ्रॉम सर्चिंग सर्चिंग में से ये तमाम इन्फॉर्मेसन पूरे डेटाबेस में से लेकर आता है लेकिन हो सकता है कभी हम सिर्फ ट्रांजैक्शन में ढूंढना चाहें कि ये फिगर या ये इन नंबर या कोई इससे मिलती जुलती चीज़ कोई ट्रांजैक्शन फ़ाइल में हमने कहीं रिकॉर्ड की हो और वो ढूंढना चाह रहे हैं तो वो कैसे होगा वो भी हम चल के देख लेते हैं जब आप एडिट में जाएंगे तो आपको नीचे नज़र आ रहा है फाइंड इधर आप कंट्रोल ऐप से भी जा सकते हैं और एडिट के साथ भी जा सकते हैं हम एडिट के थ्रू जाएंगे और फाइंड करेंगे जैसे ही हम फाइंड करने के लिए जाते हैं तो हमारे पास तमाम ट्रांजैक्शन टाइप्स ड्रॉप डाउन में नज़र आ जाते हैं ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके थ्रू हम अपने ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं चलें हम आसानी के लिए फ़िलहाल इन वॉइस को चूज़ करते हैं और एक नंबर भी हम दे देखते हैं कि क्या ये हमारे पास ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड है ये हमारे पास ट्रांज़ेक्शन रिकॉर्डेड है और वो इन्वाइस हमारे पास क्लियरली सामने नजर आ गई लेकिन इसको अगर आप डिटेल से देखना चाहें सिर्फ इसको सेलेक्ट करें और डबल क्लिक करें हमारे पास पूरी की पूरी इन्वाइस खुल के सामने आ जाएगी तो आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट या ट्रांजेक्शन सर्च करनी है तो आपके लिए फाइंड बहुत कारद है जिसमें आप तमाम डॉक्यूमेंट्स तमाम जॉब्स जो आप किसी कस्टमर की कर रहे हैं डेट के दरियान अगर आप कोई ट्रांजेक्शन ढूंढना चाहें डेट दे दें नंबर भी ना दें सिर्फ दो डेट्स दें उन डेट्स के दरमियान जो जो ट्रांज़ेक्शन हुई होगी सारी आपको दिखा देगा और आपने इन्स चूज़ किया है सारी इन्वास है बिटवीन दीज टू डेट्स आपको दिखा देगा अब हम इनस में एक आर्बिट्री अमाउंट डाल के देखते हैं कि क्या ये ये भी सर्च कर सकता है या नहीं तो इसने आर्बिट्री जो हमने अमाउंट डाली थी क्योंकि ये हमारे पास सिस्टम में मौजूद है तो इसने ये भी हमें शो कर दी है कोई भी ट्रांजेक्शन जो हमारे पास सेव्ड है अगर आपने चेक करनी है ऑल यू हैव टू डू इज यूज़ फाइंड और अगर आपने पूरे अपने डेटा बेस में से कोई चीज़ खंगाल के निकालनी है यू कैन यूज सर्च लेकिन टू तो बी मोर प्रिसाइस एंड एक्यूरेट यू नीड टू यूज़ फाइंड जब भी आप फाइंड यूज़ करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपको फ़िल्टर लगाता जा रहा है डॉक्यूमेंट कौन सी चाहिए कस्टमर जॉब याद है तो बता दें नहीं याद कुछ नहीं याद आपको तो आप सिर्फ और सिर्फ ये बता दें कि डेट बिटवीन कौन कौन सी आपने देखनी है तो फाइंड बड़ी प्रिसाइस और कंसाइज करके आपको चीज़ें निकाल के सर्च करके दे देगा और सर्च आपका एक जेनेरिक कंप्लीट डेटाबेस में से चीज़ें निकाल के दे देगा सो वी हैव अ वेरी पावरफुल टूल विद इन क्विक बुक्स टू फाइंड एनी ट्रांजेक्शन और बिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी हैव इन आर डेटा याद रखें कि अगर हमारे पास कोई चीज़ रिकॉर्डेड है कंप्यूटर पे तो सर्च और फाइंड उसे ढूंढ लेंगे सर्च पूरे डेटा बेस में से और फाइंड तमाम ट्रांजेक्शन में से अगर आपके जहन में है तो ये दोनों चीज़ें नहीं चलेंगी चलें दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एज फार एज क्विक बुक्स इज कंसर्न यू हैव अ वेरी पावरफुल टूल इन योर हैंड टू फाइंड एनी बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव विद इन योर क्विक बुक्स